हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया है एंड मैं राजस्थान कोटा सिटी में रहती हूँ। 25 अप्रैल को संताशाराम जी बापू जी के लिए उम्र कैद का फैसला सुनाया गया। पर किस आधार पर? क्योंकि जब वकील सज्जन सुराणा ने ये साबित कर दिया कि लड़की नाबालिग है ही नहीं, उसके सर्टिफिकेट्स ने ये साबित कर दिया, अलग अलग सर्टिफिकेट्स में उसकी अलग अलग एज सामने आई है, इस चीज़ से क्या साबित होता है? और जो FIR लड़की ने कराई उस FIR में, ओरिजिनल FIR में काफ़ी डिफरेंस है। और तो और जिस टाइम की वो घटना बताती है उस टाइम तो बापू जी खुद किसी प्रोग्राम में बिजी थे। इन सब प्रूफ से क्या साबित होता है? पर उस जज ने इन सारे प्रूफ्स को अनदेखा कर दिया और अपना जजमेंट दे दिया। पर किस बेसिस पर? आज भारत की न्यायपालिका पर बहुत बड़ा प्रश्न है ये, किस आधार पर एक निर्दोष संत को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई, सारे सबूतों को अनदेखा किया गया। इट्स टोटली अनजस्टिफाइड जजमेंट। आई सपोर्ट आसाराम जी बापू।